नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को क्रूड बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह धमाका बेलदंगा के एक आम के बगीचे में हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में अलीम शेख नाम का एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शेख एक हिस्ट्री शीटर था। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के ही रानी नगर में TMC और कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद बम फेंके गए। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इधर 8 जुलाई को राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए बीरभूम में सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ऐसी घटनाओं से TMC का बड़ा गेम प्लान सामने आ रहा है। वे दूसरे दलों के कैंडिडेट्स को डराना चाहती है ताकि उनके समर्थक वोट डालने न जाएं। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बेरमपुर सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल ने जिन अपराधियों को शरण दी है, वे पंचायत चुनाव से पहले अशांति फैलाने के लिए बम बना रहे हैं। हमें पुलिस पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि वे तृणमूल की स्थानीय स्तर के नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। TMC प्रवक्ता जॉय प्रकाश मुजुमदार ने कहा, ऐसे हादसों में होने वाली मौतें और घायलों की संख्या 2011 में तृणमूल सरकार बनने के बाद से बहुत कम हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बम धमाकों में TMC का हाथ है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष खुद अपराधियों से बम बनवा रहा है और राज्य की छवि खराब करने के लिए हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।